मटेरियल इसमें दो अच्छे आराम से एकदम दो रैक्स है और ऊपर भी आई कैन स्टैक अप थिंग्स। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड क्वाइट गुड। आज मैंने जिम में एब्स और आर्म्स किया था। एब्स वर्कआउट मैंने सेल्फ रिकॉर्ड किया था। एंगल बहुत ही ख़राब है बट आई कुडंट हेल्प इट, क्योंकि काफ़ी लोग भी थे और एंगल पोजिशनिंग करना बहुत डिफिकल्ट भी था। आई स्टार्टेड विथ रशियन ट्विस्ट, वेटेड रशियन ट्विस्ट। आई यूज्ड अ स्मॉल डंबल, क्योंकि ज़्यादा वेट लेने से बैलेंस बिगड़ जाता है और बहुत ज़्यादा लीन बैक होने से बैक हर्ट करेगा, विच इज़ नॉट द टारगेट। देन आई स्टार्टेड विथ क्रंचेस, डायगोनल क्रंचेस, नी टच। ईच साइड मैंने 12 रेप्स की थी, फॉलोड विथ हील टच। हील टच भी ईच साइड 15। देन फॉलोड विथ डायगोनल टो टच विथ डंबल। ईच लेग अगेन 12-15 रेप्स। एंड देन द लास्ट एक्सरसाइज वॉज ऑन अ प्लैंक पोजिशन, हिप डिप। ये पांचों एक्सरसाइज कंप्लीट करने से ही वन सर्किट विल बी कंप्लीट। मैंने ऐसे 3 सर्किट्स की थी एब्स वर्कआउट की। एब्स मसल्स में सबसे ज़्यादा मैं सोर फील करती हूँ जब मैं ऐसे सर्किट वर्कआउट करती हूँ। इंस्टेड ऑफ कि एक ही वर्कआउट 3 सेट रिपीट करती हूँ तो मेरा मसल्स उतना सोर नहीं होते। हेलो फ्रेंड्स, आज है फ्राइडे और फ्राइडे डिनर में कुछ भी स्पेशल नहीं बन रहा है। फ्रिज खाली करो डिनर बन रहा है। फ्रिज खाली करो क्योंकि चिकन में ना 2 आइटम थोड़े थोड़े, जैसे ग्रिल चिकन थोड़ा सा और अफगानी चिकन जो आप पहले देख चुके हो जिस वीडियो में, उसका थोड़ा सा लेफ्ट ओवर है, उससे अच्छे से हम तीनों का हो जाएगा। और कुछ नॉनवेज नहीं बना रही हूँ और फ्रिज भी खाली करना है क्योंकि सैटरडे हम लोग वेज खाते हैं, इसलिए नॉनवेज तो हो गया सॉर्टेड। फ्रिज खाली करो। और सब्जियों में कैबेज, कैप्सिकम, कैरेट पड़े हुए हैं तो वही यूज़ करके मैं अभी किनवा फ्राइड राइस जैसा बना लूँगी। इस पर थोड़ा सा फ्राइड राइस जो पहले मैंने शेयर किया उससे थोड़ा सा अलग सा बनाऊँगी। अलग सा मतलब सॉस थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। पिछली बार मैंने वेजीज डाला था, कुछ भी सॉसेस ऐड नहीं किया था क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन जो चिकन था, इट वॉज सोया एयर फ्राइड चिकन, सोया बेस्ड चिकन था, सोया सॉस वाला। आज का जो है चिकन का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग सा है। इट्स लाइक हैविंग अ डिफरेंट स्टार्टर एंड हैविंग अ डिफरेंट मेन कोर्स। इसीलिए जो किनवा बनाऊंगी मैं, वो चिकन क्यूब्स डालूंगी। आप चिकन ब्रॉथ भी डाल सकते हो, मेरे पास चिकन ब्रॉथ का क्यूब्स है, वो डालूंगी और एक सॉस रेडी करके वो किनवा में मिक्स करूंगी ताकि वो किनवा भी काफ़ी फ्लेवरफुल सा बन जाए। 15-20 मिनट्स किनवा को सोक करके रखा था, अब अच्छे से वॉश कर लूँगी। आप पानी की जगह अगर चिकन ब्रॉथ यूज़ कर रहे हो तो वो भी बहुत ही अच्छा, 50% ब्रॉथ 50% वाटर। मेरे पास ऐसे क्यूब्स हैं मैगी का, चिकन क्यूब, मैं वो डाल दूँगी। गर्म होगा और ये थोड़ा डिसॉल्व हो जाएगा, मैं किनवा डाल दूँगी। बॉयल आने तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपने पानी बहुत ज़्यादा दे दिया तो थोड़ा बॉयल होने तक यू कैन वेट। जब तक किनवा कुक हो रहा है मैं तब तक एक जो किनवा में सॉस यूज़ करने वाली हूँ वो मिक्स कर लूँगी। सोया सॉस, अगर आपके पास चिली विनीगर है ना वो भी यूज़ कर सकते हो। और चिली विनीगर का जो चिली है वो भी बहुत अच्छा लगता है, पर फिलहाल मेरे पास स्टॉक है नहीं। ये ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और साथ में आप टमाटो केचप यूज़ कर सकते हो, मैं थोड़ा हनी यूज़ कर रही हूँ।
तेल गर्म होते ही मैंने कैरेट डाल दिया क्योंकि दैट वॉज द मोस्ट हार्डेस्ट वेजिटेबल और ये पूरा बहुत जल्दी जल्दी में बनेगा और हाई हीट में वेजिटेबल्स कुक होगा। बेल पेपर्स डाल दिया, बेल पेपर्स भी सॉफ्ट होने तक वेट नहीं करेंगे क्योंकि वेजिटेबल क्रंची अच्छा लगता है। और कैबेज वो भी हल्का सा ही सॉटे होगा और विल प्रोसीड विद द प्रोसेस वेरी फास्ट जस्ट लाइक नूडल्स और विथ हाउ वी डू विथ फ्राइड राइस। यहाँ मैंने ऐड किया अनियन पाउडर, उसके बाद मैंने ऐड किया था गार्लिक पाउडर, उसके बाद मैं डाल दूँगी किनवा और वो जो रेडी किया हुआ सॉस था वो भी, और सॉल्ट क्योंकि सॉल्ट कमी था। बस जैसे नूडल्स और फ्राइड राइस बनाते बन गई किनवा विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा था इसलिए किनवा मिक्स करने के बाद ना स्टियर करने का जगह बचा ही नहीं था और मेरे पास इससे बड़े साइज़ का वॉक है नहीं, इसलिए मैंने क्या किया थोड़ा सा मिक्सिंग के बाद जिस डच में मैंने किनवा बॉयल किया था ना उसी डच ओवन में थोड़ा सा मैंने निकाल लिया था किनवा ताकि प्रॉपरली मिक्सिंग हो सके। ये बहुत ही एक हेल्दी ऑप्शन है और ये लंच बॉक्स फ्रेंडली आइटम भी है। आप इसके साथ चिकन भी मिक्स कर सकते हो, स्क्रैम्बल्ड एग मिक्स कर सकते हो, इट्स ऑलरेडी वेरी फ्लेवरफुल एंड टेस्टी। आज का फ्रिज खाली करो डिनर। ग्रोसरी जाने से पहले मुझे फ्रिज खाली करना था, इसके लिए आज ऐसा मिक्स एंड मैच वाला डिनर। What you will do grocery haul now? Yeah, I'll do it. Last 2 weeks, I think I didn't share any grocery haul, so I'll do it. Whatever I got, I'll share. I'll get the rest of it. Today we did grocery from two shops. One is Viva, the other one is Union Co-op, which is opened few months back, very near to our house. But we never went to this one. So today from there we got Indian mutton. It was 39 something, it's around about 40 dirhams a kg. So we took off, it will be like two meals for us. Then eggs from Union Co-op. Then first I'll finish up Union Co-op. Cupcakes for rice, small chicken. Chocolate flavor and vanilla, no, caramel. 5 days school, 5 cupcakes. Sometimes munching on these pumpkin seeds. These are the pumpkin seeds. Then Nando's peri peri sauce. I was out of stock. I shouldn't be using, but I take 1/2 liter this PET bottles. 1 or 2 I carry so that I don't have to come and wash. I have a lot of work to do. At least थोड़ा सा कुछ काम कम हो सके उसका उपाय निकाला है मैंने। फिर अभी विवा का सामान, स्ट्रॉबेरीज काफ़ी अच्छे साइज का और रेड वाले मिले हैं। दीज आर आई थिंक साउथ अफ्रीकन, या साउथ अफ्रीकन और यूएस नहीं यूके, साउथ अफ्रीकन और यूके के स्ट्रॉबेरीज काफ़ी स्वीट होते हैं, खट्टे वाले जो होते हैं लोकल और यूएस। आई डोंट, थोड़े बहुत अनहेल्दी सामान भी है विवा से। एक है कोकोनट वाटर, फिर है सम चॉकलेट विथ नट्स, फिर है चॉकलेट ट्रफल, ये रायन को बहुत ज़्यादा पसंद है, सॉल्टेड कैरमल, और ये मुझे और राजीव को पसंद है कोको ट्रफल्स। और मेरे ख़त्म हो गए थे स्टॉक। दीज आर शुगर फ्री प्रोटीन प्रोटीन बार्स, दीज आर शुगर फ्री, वेरी टेस्टी कॉफ़ी फ्लेवर। और एग वाइट्स मैंने, तीन बॉटल ऑफ एग वाइट्स, काफ़ी लंबा टाइम तक डेट है, हर विवा पे नहीं मिलता है, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, तो मुझे मिला तो मैंने 3 ले लिया। सो दैट्स इट, चलिए आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ अ एग ऑर्गेनाइजर, ये बहुत अच्छे से ना 32 एग्स रखते हैं और ऊपर भी ना स्पेस मिल जाता है फॉर स्टोरिंग। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजर फ्रिज में यूज़ करते हैं ना तो स्पेस की कमी हो जाती है, बट दिस ऑर्गेनाइजर आई रियली फाइंड इट वेरी हेल्पफुल,
क्योंकि इसमें दो अच्छे आराम से एकदम दो रैक्स है और ऊपर भी आई कैन स्टैक अप थिंग्स. मैं यूजुअली टॉर्टियर्स रखती हूँ. अब देखूंगी कितना सारा टूट फूट के आया है. काफी सारा टूटा हुआ है. आज के लिए बस इतना ही. टिल देन टेक केयर. बाय बाय. सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग. एंड इफ यू लाइक माय व्लॉग प्लीज डू सब्सक्राइब लाइक एंड कमेंट. बाय.